नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर असमंजस में रहने वाले किसान धरने पर हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 18 दिनों से जारी है, वो भूख हड़ताल पर हैं। वहीं कृषि कानूनों के समर्थन में देश भर के 10 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। ये संगठन उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों के हैं और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से जुड़े हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत के माध्यम से खत्म किया जाए, लेकिन किसान इसकी वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। बीते दिन हरियाणा के बाद उत्तराखंड के किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का अपना समर्थन दिया। उत्तराखंड के किसानों का कहना है कि तीनों कानून कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगे। कृषि मंत्री ने बैठक खत्म होने के बाद कहा भी था कि उत्तराखंड से आए किसान भाई मुझसे मिले और उन्होंने कृषि सुधार को समझा और अपनी राय दी। केंद्र सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, ये भी किसान हैं जो समझते हैं कि मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व सक्रिय होकर चिंता बढ़ा रहे हैं, चाहे वह खालिस्तानी ताकतों की घुसपैठ हो या फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए दिखा समर्थन। देश के लिए ये परेशानी पैदा करने वाली बातें हैं। ऐसा लगता है कि आंदोलन के नाम पर शाहीन बाग एपिसोड 2 दोहराया जा सकता है। शाहीन बाग में सीए विरोध के नाम पर दिल्ली की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया था और इस बार भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब धीरे धीरे यह प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है, जो खतरे की घंटी है। सीए विरोध का भीषण रूप हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के रूप में देख लिया है। बहरहाल मोदी सरकार सतर्क है, मुस्तैद है, ऐसी किसी भी साजिश से निपटने के लिए तैयार है, पर भोले भाले किसानों को षड्यंत्रकारियों के मंसूबों को समझना होगा कि उनकी आड़ में वो असामाजिक तत्व देश के साथ गद्दारी करने से बाज नहीं आएंगे।